दोस्तों, आखिर उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। पहला, श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, श्री गगोत्री, श्री यमुनोत्री, चार धाम यहां पर स्थित है। और सिक्कों का मुख्य गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब भी यहीं पर स्थित है, जिसे उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। यहां अनेक शक्तिपीठ भी स्थित है, जिनमें से मुख्य मां मनसा देवी, मां सुरेश्वरी देवी, मां नैना देवी मंदिर, चंडी मंदिर, मां अनुसुईया मंदिर, मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां सुरकंडा मंदिर, मां कुंजापुरी, यहां इनके भव्य मंदिर और शक्तिपीठ स्थित है। और यही पांच प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग स्थित है, जहां दो नदियों का संगम होता है। और यही नीलकंठ महादेव का प्राचीन मंदिर है। मान्यता है समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का सेवन महादेव ने यहीं पर किया था। और उत्तराखंड से ही इस देश की जीवन रेखा नदियां भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, काली नदी, रामगंगा नदी, पूर्वी सरस्वती नदी, गोरी गंगा, कोसी नदी, मंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी, सरयू नदी, नायर नदी, पिंडारी नदी, रामगंगा नदी आदि नदियां निकलती है। इसलिए हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है।